सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 145वीं जयंती के उपलक्ष्य में और आज जम्मू जिला पश्चिम की तरफ से उनके जिलाध्यक्ष, उनके महामंत्री, उनके मंडल अध्यक्ष, उनके प्रभारी, सह प्रभारी और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की प्रेजेंस में आज हम सब मिलकर उस महान विभूति का जन्मदिन जो है वो मना रहे हैं। आज के भारत को सशक्त करने में, आज के भारत को एकजुट जोड़ने में जो उनकी भूमिका थी उसको हम सब जो है वो भुला नहीं सकते। लगातार से बचपन से लेकर और उसके बाद आजादी की लड़ाई में लगातार से प्रयासरत और एक ऐसा वातावरण उन्होंने हमारे इस पूरे देश को दिया है, खासतौर पर 565 ऐसी स्टेट्स जो अलग अलग से रहती थी, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सोच, उन सभी स्टेट्स को एक साथ जोड़ना अपने आप में दर्शाता है और खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लिए इस महान विभूति का एक विशेष महत्व है। कारण यह है कि जम्मू कश्मीर का विलय 15 अगस्त को न होकर उसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। आज पूरा भारतवर्ष, पूरे खासतौर पर पूरे जम्मू कश्मीर वासी उस महान विभूति को जो है, उस लौह पुरुष को जिनकी एक सबसे बड़ी प्रतिमा जो है देश में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके का वातावरण उन्होंने आजादी से पहले और आजादी के बाद भारत को एकजुट करने के लिए दिया था। एक ऐसे नेता जिन्होंने कास्टिज्म के लिए लड़ाई लड़ी और वो हमेशा चाहते थे कि सभी लोग जात पात से उठकर जो है ऊपर रहें, एक सशक्त भारत का हिस्सा बने। आज उस महान विभूति को हम सब मिलकर भारतीय जम्मू पश्चिम जिला मनीष खजूरिया जी की अध्यक्षता में हम सब मिलकर उनको याद कर रहे हैं।